सुनवाई की जा सकती है। सरोगेट एडवर्टीजमेंट क्या होता है? सरोगेट मदर वो सरोगेट एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट ये होता है सर कि सरोगेसी को जो है बढ़ावा देने के या सरोगेसी की मांग करने के लिए जो है। आपको पता है, मतलब कंफर्म है आप जो आप कह रहे हैं वो सही है? नहीं सर मैं, इसके प्रति कंफर्म है आप? नहीं सर मैं जहाँ सरोगेट एडवर्टीजमेंट वो होता है कि जिस प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, जैसे अल्कोहल वगैरह, तो कंपनियां क्या करती हैं कि अल्कोहल के बजाय सेम नाम से किसी सोडा बना दिया और उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। अल्कोहल का एडवर्टीजमेंट कर नहीं सकते तो किसी और प्रोडक्ट को बना दिया और उसके एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपना प्रचार कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट इज सरोगेट एडवर्टीजमेंट। तो अब तो आप जान गए। Afternoon everyone, I am Dr. Atul KK. I have scored more than AIR1 in prelims in general studies. Like in 2017, I scored 130 plus marks and AIR1 scored 108 marks. Similarly, in 2016, 15 and in 14, I have scored more than AIR1 in general studies prelims. I have come here, I have come to Sikkim to guide the students of SPSC. The Super 30 is organizing a very effective program for SPSC mains. The students will get the expertise of faculties from Delhi, like me. My whole of team is coming from Delhi. They are specialized in SPSC or State Public Service Commission examination. We will be able to guide the students not only about completing the syllabus but also about how to write very good answers, how to get maximum marks in the answers. We will be able to guide the students of Sikkim for their success. All the best. Good evening students. मैं संदीप मलिक ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। ये क्लास सिक्किम सुपर 30 SS 30 की तरफ से और डॉक्टर अतुल के गाइडेंस में ये क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है। और जैसे कि आप जानते हैं कि अभी 7,000 to 8,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो मेंस लिखने जा रहे हैं। काइंड ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, सिचुएशन वेरी लाइक डिफ़िकल्ट है और इन ऑर्डर टू लाइक टू ब्रीड दैट कॉन्फिडेंस एंड टू स्पिरिट हेड योर प्रिपरेशन आपको आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और क्योंकि आपका जो पेपर है ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में सभी जो हैं फैक्ट्स नहीं रट सकते हैं, ठीक है, कोई भी इतना फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन को रट नहीं सकता है। तो जो आपका लेवल प्लेइंग फील्ड जहाँ से बनता है, जहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में सभी रखते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपको आंसर लिखना पड़ेगा। और वो आंसर ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ ब्लूज आप कुछ भी लिख दें या लेंथ वाइज आप जैसे कॉलेज में करते आए होंगे शायद, उससे काफ़ी डिफरेंट है। तो इसमें आपको लाइक वर्ड लिमिट तो मेंशन नहीं है वैसे आपका जो एग्ज़ाम पेपर है, जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखें तो उसमें आपको दिखाई देगा कि कोई वर्ड लिमिट का इंस्ट्रक्शन नहीं है, फिर भी आप कुछ ना कुछ उसके लिए एक काइंड ऑफ वर्ड लिमिट को फॉलो करें। जैसे कि अगर आप 5 मार्कर के लिए